वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप वीआर जीके स्टडी जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि वीआर जीके स्टडी जैसा थंबनेल कैसे बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू करता हूं, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीआर जीके स्टडी जैसा थंबनेल बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पिक्सल लैब ऐप ओपन करना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आएगा, इसमें यहाँ पर कैंसिल कर देना और उसके बाद ऐसा इंटरफेस हो जाएगा इसमें, और इसमें इंटरफेस ऐसा आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड में ऊपर 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा इमेज साइज़ का, यहाँ पे इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कस्टम का, उसके आगे एक बटन है इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको थंबनेल के साइज़ मिलेंगे, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट। तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके 1280x720 में हो जाएगा, तो इस पर ओके पे क्लिक कर देना। तो ये आपका साइज हो गया थंबनेल का। और ये जो न्यू टेक्स्ट है इसे यहाँ पे डिलीट का जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना और इसे डिलीट कर देना। अब दोस्तों नीचे देखना आपको जो 5 आइकन दिखाई दे रहे हैं सबसे नीचे बॉटम पे, तो इन 5 आइकन में से जो राइट साइड से दूसरे नंबर पर आइकन है इस पर क्लिक करना। और उसके बाद यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन आ जाएगा, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो कलर और ग्रेडियंट का ऑप्शन है, तो कलर वाले पर क्लिक करके आपको अपने थंबनेल का जो कलर है उसे तरीके से वाइट कर लेना है। तो ये कलर इसका वाइट हो गया। मैं आपको अभी वीआर जीके स्टडी जैसा थंबनेल बनाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए वाइट कर दिया। आप तो चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं कोई भी कलर सेलेक्ट। तो ये वाइट कलर हो गया इस पर पूरा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो राइट साइड से तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है नीचे 5 ऑप्शन में से, यहाँ पे जो राइट साइड से तीसरे नंबर पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। तो ये शेप्स आ जाएगा और इस तरीके से इसे यहाँ पर सेट कर देना। इसे अपने हाथों से ही बढ़ा सकते हो आप उंगली से, और इस तरीके से बढ़ा के यहाँ पर लगा के ऊपर का थोड़ा सा भाग इससे कवर कर लेना है। और यहाँ पे नीचे कलर का ऑप्शन है तो इसे नीला कलर दे देता हूँ, यहाँ पे नीला कलर देना है इसका। और ये कलर हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे 5 ऑप्शन है उनमें से एक ये का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो टेक्स्ट वाले पर करना है। फिर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट वाले पर करना। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी के चैलेंज फॉर यू लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया। और इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे का कलर जो है उसे वाइट कलर दे देना, वाइट कलर दे दिया मैंने। और यहाँ पे ए भी फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर देना अपने हिसाब से। तो ये मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। और यहाँ पे नीचे आपको साइज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा कर देना, ये इतना ही रखना है कि नीला जो कलर है उसी पर रहे इसका साइज। तो ये हो गया जी के चैलेंज फॉर यू, यहाँ पे लिख गया। उसके बाद यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक है, पहले से ही नीला हो रखा है, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर एडिट वाले पर जाना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने थंबनेल पे उसे यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूंगा बड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगा, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मेरा वो लिख दूंगा हिंदी में। तो जैसे कि मैं किसी भी एक क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि ताजमहल कहाँ पर, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये ताजमहल कहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दूंगा, और फिर जो ऊपर ओके का ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक करना, और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे जो ऑप्शन मिल रहे हैं उन्हें स्क्रॉल करूँगा, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो इसका कलर जो है वो क्वेश्चन का कलर मैं रेड कलर रखूँगा, और रेड कलर रखने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ए वी फॉन्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँगा मैं। अब ये हो गया ताजमहल कहाँ पर है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे फिर से जाना है, टेक्स्ट पे ही, और फिर एडिट पे जाना है, और यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है उन्हें यहाँ पे लिख लेना है। पहले तो आपको जो ऑप्शन है उन्हें पहले पूरा लिखना है, ऑप्शन आपको बी सी डी सब यहाँ पे एक बार में आपको लिख लेनी है, क्योंकि इनके जो कलर हैं वो अलग रखूँगा मैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने ए बी सी डी, और इस पर क्लिक करना है ओके वाले पे। और यहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा के इसे यहाँ पे नीचे लेना, पोजीशन में यहाँ पे लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो सही का टिका रहा है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा, तो इसका जो कलर है मैं ब्लैक कर दूंगा। और ब्लैक इसका कलर होने के बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे जाना है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा बढ़ा देना। तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपको डाल देने, तो फिर से यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है, एडिट में जाना है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा सबसे पहला ऑप्शन आगरा, फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन डाल दूंगा मैं दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा
मुंबई। चौथा ऑप्शन डाल दूंगा मैं, फिर मैं ऐसे कोई नहीं, और इसे ऊपर पे क्लिक करूंगा और इसे यहाँ पे फिर से सेट करके इसका जो कलर है मैं इसे नीला कर दूंगा, और नीला होने के बाद यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है इसे चेंज कर दूंगा मैं फॉन्ट स्टाइल को, और फिर उसका जो साइज है इसे थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा इसे इस तरीके से ये एक दूसरे के सामने आ जाए सब। ये हो गया, क्वेश्चन बन गया दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ताजमहल के ऊपर बात हो रही है तो ताजमहल का जो सिंबल है यहाँ पे फोटो इमेज यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ से मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ऐप में जाऊँगा अपने, और क्रोम ब्राउज़र ऐप में जाने के बाद मैं यहाँ पे ताजमहल का फोटो डाउनलोड करूँगा। ताजमहल सर्च करूँगा और यहाँ पे इमेज पे चला जाऊँगा। इमेज पे जाने के बाद एक फ़ोटो यहाँ से ताजमहल का सिलेक्ट करूँगा इसे, और इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं यहाँ से वापस आऊँगा और यहाँ पे गूगल पे दोबारा से सर्च करूँगा बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करूँगा, फिर ऑल पे जाऊँगा बैकग्राउंड रिमूवर, और जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करूँगा। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड इमेज का, यहाँ पे अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। फिर ताजमहल का जो फोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। उस पर क्लिक करके इसके इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा तो ये फ़ोटो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं दोबारा से पिक्सल ऐप में जाऊँगा इस पर, और यहाँ पे ऊपर जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में एक प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम गैलरी का, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना जो अभी बैकग्राउंड रिमूव किया था ताजमहल का इससे, और इसे यहाँ पे ले आना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे सेट कर देना है इस तरीके से। अब ये दोस्तों जो आपका थंबनेल है वो बिल्कुल बीआर जीके स्टडी जैसा थंबनेल तैयार हो गया। इसी तरीके से आप ऐसा थंबनेल बना सकते हो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी।